इंदौर रेत एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष रंजीत गुर्जर ने मीडिया के सामने रेत माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कही है। गुर्जर ने माना है कि उन्हीं के बीच कुछ लोग इस कारोबार को अवैध रूप से अंजाम देते हैं, जिससे कि उनके पूरे व्यापारी संघ की बदनामी हो रही है। साथ ही नवनियुक्त अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि ईमानदारी से कार्य करने वालों को ईमानदार घोषित किया जाए, ताकि उन्हें दूसरे के किए कार्यों के कारण बदनामी न झेलनी पड़े। रेत एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मीडिया के सामने कहा कि दो दिन पहले राजेंद्र नगर मंडी में प्रशासन की कार्यवाही हुई, वह कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें बताएंगे कि इस तरह की कार्यवाही कृपया न कीजिए और सभी को प्रशासन द्वारा न्याय दिया जाए। वहीं नई रेत मंडी के लिए भी मांग रखी जाएगी। गुर्जर ने कहा कि सीएम का आदेश है कि भूमाफियाओं और खनिज माफियाओं पर कार्रवाई हो, लेकिन असल रेत माफियाओं को छोड़कर छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जो कि गलत है। नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही वह सबको साथ लेकर अधिकारियों से बात करेंगे और पूरे इंदौर जिले से व्यापारियों को बुलाकर एक कमेटी भी बनाई जाएगी। साथ ही रेत एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इंदौर शहर के तीनों मंत्रियों से भी कई अपेक्षा रखी हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों से बात करने की बात कही है। रेत व्यापारियों द्वारा कल जो एक मीटिंग आयोजित की गई थी, उसमें मुझे अध्यक्ष पद का जो दायित्व तो दिया गया है, मैं उसे दिल से स्वीकार करता हूँ। और सर्वप्रथम मेरी ये सर्वप्रथम मांग ये है कि जो दो दिन पहले राजेंद्र नगर मंडी में गरीब व्यापारियों, जो लोकल व्यापारियों के साथ जो कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई आगे ना हो, और जो कार्रवाई हुई है उसमें लोगों को न्याय दिलाना वो सर्वप्रथम कार्य मेरा रहेगा। उसके लिए मैं कल कलेक्टर महोदय से मुलाकात करना चाहता हूँ। और दूसरी मेरी ये मांग रहेगी कि बहुत समय से 15-20 साल से हम एक मांग उठाते जा रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष ने मांग उठाई थी और आज भी हम मांग उठा रहे हैं कि हमारे मंडी रेत मंडी उपलब्ध कराई जाए जी। और रेत मंडी के लिए मैं बहुत प्रयासरत पहले भी था और अधिकारियों से बहुत सारा अवगत भी कराया, बहुत सारी जमीनों की बात भी हुई हमें, और हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ वापस फिर से हो और रेत व्यापारियों के लिए रेत व्यवस्थित मंडी उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं देखी जा रही है, रेत व्यापारियों के साथ गाड़ियां भी पकड़ी जाती है। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।